वृंदा ब्लॉग्स में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो चर्चा करेंगे और वीडियो शेयर करूँगी वो विनेश फोगाट, जो कि एक भारतीय पहलवान हैं, वे हरियाणा के चरखी दादरी जिले से आती हैं, उनके बारे में। हमारे देश की गौरव हैं, हमारे देश की बहुत ही अव्वल दर्जे की बेटी हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश फोगाट पहली महिला भारतीय पहलवान हैं। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर विनेश फोगाट ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला पहलवान बनी हैं। दोस्तों, ये इंडियन हैं। इनका जन्म जो है 25 अगस्त 1994 को हरियाणा में हुआ और ये भारत की हैं। और इनका जो क्लब है वो भिवानी खेल क्लब से इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की थी। और इनके कोच हैं ओपी यादव, वो भी हरियाणा से हैं। और इनका जो स्वर्ण पदक, ये 2014 ग्लासगो 48 kg, कांस्य पदक 2014 और कांस्य रजत 51 नई दिल्ली 2013। भारतीय रेलवे के साथ कार्यरत युवा ग्रैपलर ने 2019 में प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय बनी। भारत सरकार ने कुश्ती में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, विनेश फोगाट का जन्म हरियाणा के भिवानी जिले के बलाली गांव में पहलवानों के परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने चाचा महावीर सिंह फोगाट से प्रशिक्षण प्राप्त किया और महावीर सिंह फोगाट प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच और महिला पहलवानों में गीता और बबीता फोगाट के पिता हैं। दोस्तों, विनेश फोगाट के पिता राजपाल की हत्या तब की गई थी जब वो बहुत छोटी थी। चाचा महावीर और उनकी मां प्रेमलता को लड़कियों की कुश्ती और उनके शॉर्ट्स पहनने को लेकर समाज के प्रतिरोध को झेलना पड़ा है। और उन्होंने 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आगमन की घोषणा की। एशियन गेम्स 2018 में पोडियम पर शीर्ष पर रहने वाली हरियाणा की इस पहलवान ने अपने साथी पहलवान सोमवीर राठी से शादी कर ली। इनकी करियर की बात की जाए तो विनेश फोगाट ने नई दिल्ली 2013 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 52 किलोग्राम भार स्वर्ण में कांस्य पदक जीता और इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप में 51 किलो भार वर्ग में रजत पदक हासिल की। 48 किलो भार वर्ग में इस युवा पहलवान ने ग्लासगो के 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक हासिल की और उसी वर्ष के अंत में इसी डिवीजन में दक्षिण कोरिया के इंचियोन में एशियाई खेलों में उन्हें कांस्य पदक हासिल हुआ। तो दोस्तों, ये नई दिल्ली में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 55 किलो वर्ग में रजत पदक जीती और बिश्केक के 2018 के संस्करण में 50 किलो वर्ग में अपने प्रदर्शन को दोहराया। 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए टिकट हासिल कर ली और 2020 में रोम में एक रैंकिंग स्पर्धा में फोगाट ने स्वर्ण पदक हासिल की। अवार्ड की बात की जाए तो भारत सरकार ने उन्हें 2016 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो एथलीटों को दिए जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से है। जब जनवरी 2020 में जारी नागरिक पुरस्कारों की सूची में उनका नाम नहीं शामिल किया तो विनेश फोगाट ने सरकारी पुरस्कार की चयन प्रतिक्रिया पर सवाल भी उठाए थे। अगर पदक की बात की जाए तो स्वर्ण पदक एशियाई खेल जकार्ता 50 किलोग्राम भार के लिए मिला और इसके अलावा इनको कांस्य पदक और एशियाई चैंपियनशिप में बैंकॉक में मिला और इस तरह से बहुत सारे इनके जो हैं अचीवमेंट हैं। और भारत की ये बेटी बहुत ही होनहार और हमारे देश की गौरव हैं और हर बार इनको स्वर्ण पदक, कांस्य पदक और रजत, ये सबसे वो हमारे देश में वापस आती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।